दवा के पैकेट्स पर ये रेड लाइन क्यों बनी होती है? फेविक्विक अपने ही ट्यूब पर क्यों नहीं चिपकता? और क्या सच में ऐसी भी कोई मछली है जो हवा में भी उड़ते हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्या आपको पता है कि ये मोबाइल नेटवर्क कंपनियां रिचार्ज प्लान 28 दिन का ही क्यों रखते हैं, जबकि 30 डेज में एक महीना होता है? ये एक बिजनेस ट्रैप है दोस्तों। 28 दिन का प्लान लगा के ये कंपनियां हर महीने में 2 से 3 दिन निकाल के ये साल भर में हमसे 13 बार रिचार्ज करवाते हैं, यानी कि 12 महीनों में 13 रिचार्ज, जिसकी वजह से कंपनियों की ज्यादा कमाई होती है। सन 2010 में अबू धाबी का फेमस 5-स्टार होटल अमीरात पैलेस पे दुनिया का पहला एक ऐसा एटीएम मशीन लगवाया गया था जिस पर से लोग एटीएम कार्ड यूज करके सोना निकालते हैं। ऑडी, फेरारी, बीएमडब्ल्यू, लैम्बोर्गिनी, ये कार कंपनियां कभी भी अपनी कारों की एड्स टीवी पे नहीं चलाते। ऐसा क्यों? टीवी पर एड्स दिखा के तो हर कंपनियां ज्यादा कस्टमर्स गेन करते हैं, लेकिन ये कार कंपनियों का सोचना है कि जिसकी हैसियत ये कार खरीदने की होगी वो लोग इतने भी फालतू नहीं होंगे कि टीवी पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। रात के अंधेरों में आपने जुगनू तो जरूर देखा होगा और इन्हें देखकर मुझे तो बेहद मजा आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे जलते हैं ये जुगनुओं की लाइटें? दरअसल जुगनुओं की बॉडी में लूसीफेरस और लूसीफेरिन नाम के 2 प्रोटीन निर्माण होते हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से चमक उठते हैं। मेडिकल साइंस की दुनिया में जब भी कोई नई दवा का इन्वेंशन होता है या फिर बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझना पड़ता है, तो सारे प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के लिए एट फर्स्ट माउस को लिया जाता है। मानव जात को रक्षा करने वाले इन चूहों की बलिदानों को याद दिलाने के लिए रशिया के इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के पार्क में एक चूहे की स्मारक बनवाई गई है जो कि एक डीएनए की बुनाई कर रहा है, और इसे बनवाया गया था 1 जुलाई 2013 को। क्या आपने कभी सुना है कि एक चॉकलेट की वजह से कुत्तों की जान भी जा सकती है? जी बिल्कुल, चॉकलेट में एक केमिकल होता है जिसे थियोब्रोमाइन कहते हैं, जो कि कैफीन की तरह काम करता है, जिसे खाने के बाद कुत्तों को ज्यादा प्यास लगने लगता है और हार्ट बीट भी अनबैलेंस हो जाता है, जो कि इनके मौत का कारण हो सकता है। चाइना के हैंडीगैंग नाम के एक व्यक्ति ने 2.70 करोड़ एमएच वाला पावर बैंक बना के दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। यह पावर बैंक दिखने में एक बेड के समान का है जिस पर 5000 से भी ज्यादा फोन चार्ज किया जा सकता है, और साथ ही इससे टीवी, वॉशिंग मशीन, फैंस भी चलाया जा सकता है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक स्कूटर भी इससे आसानी से चार्ज किया जा सकता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल पावर बैंक है। आप लोगों को यह बात सुनकर काफी हैरानी हो सकेगी। आमतौर पर मछलियों की कई प्रजातियां समुद्र में रहते हैं, यह बात तो नॉर्मल है, लेकिन उन्हीं में से मछलियों के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले भी प्रजातियां हैं जो कि पानी के ऊपर आसमान में उड़ते हैं। ये मछलियां पानी से 50 मीटर की ऊंचाई तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। ये उड़ने वाले मछलियों को गर्नाई फिश या फ्लाइंग बीम कहते हैं, जो कि ज्यादातर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है। भारत के 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके 1959 में एक पापड़ का बिजनेस स्टार्ट किया था, जो आगे चलकर यह बिजनेस एक ब्रांड बन गया, और आज की डेट में यह कंपनी भारत के अलावा 15 और देशों में भी अपना व्यापार कर रहा है, जिसकी सालाना कमाई 1500 करोड़ की है आज की डेट पे, और वो कंपनी है लिज्जत पापड़ की कंपनी। हर तोड़ का जबरदस्त जोड़ फेविक्विक, आखिर क्यों ये अपने ही ट्यूब पे नहीं चिपकता है? लेकिन जैसे ही ट्यूब से बाहर निकलता है तो 2 से 3 सेकंड में सूखकर एक टाइट मटेरियल का रूप लेता है। कैसे? एक्चुअली फेविक्विक बनाते वक्त उसमें नाइट्रोमीथेन को मिक्स किया जाता है। नाइट्रोमीथेन एक ऐसा केमिकल है जो हवा के कॉन्टेक्ट पे आते ही सूख जाता है, इसलिए फेविक्विक को एक एयरटाइट ट्यूब में पैक किया जाता है, जिसके कारण ये अपने ही ट्यूब पे नहीं चिपकता। क्या आपने कभी मेडिसिन के पैकेट पे ये रेड लाइन को गौर किया है? क्या मीनिंग होता है इस रेड लाइन का? क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली ड्रग स्टोर पर कई सारे ऐसे मेडिसिन रहते हैं जो डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए बिना यूज करना सख्त मना है। कुछ इसी तरह के मेडिसिन पर यह रेड लाइन बना हुआ रहता है, ताकि दवा भेजने वाला कभी गलती से विदाउट प्रेस्क्रिप्शन यह दवा मरीज को ना दे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।